लखनऊ से इस वक्त हमारे पास है विकास दुबे। एनकाउंटर मामले में यूपी पुलिस को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी ने क्लीन चिट दे दी है। जी हां, जस्टिस बीएस चौहान की कमेटी ने क्लीन चिट दे दी है उत्तर प्रदेश पुलिस को। 8 महीने की जांच में पुलिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस के बयान के खिलाफ कोई चश्मदीद गवाह नहीं सामने आया है। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की थी और उस कमेटी ने क्लीन चिट दे दी उत्तर प्रदेश पुलिस को। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में पुलिस को क्लीन चिट और बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के द्वारा। जस्टिस बीएस चौहान की कमेटी ने क्लीन चिट दे दी है। कहा कि कोई सबूत नहीं मिला पुलिस के खिलाफ, ना कोई गवाह सामने आया, कोई चश्मदीद गवाह सामने नहीं आया, कोई सबूत नहीं मिला। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी राहत। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में बड़ी राहत उत्तर प्रदेश पुलिस को। आइए और विस्तार समझते हैं क्या कहा है इस कमेटी ने। बताने के लिए विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। बताइए विवेक, क्या कहा है कमेटी ने? जी राजन, देखिए एनकाउंटर की जब एनकाउंटर हुआ था विकास दुबे पर, तो पुलिस पर तमाम सवाल उठे थे कि जिस तरह से एसटीएफ और अन्य एजेंसियां उसको ला रही थी मध्य प्रदेश से, और रास्ते में उस गाड़ी पलट गई और विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, उसके बाद जो पुलिस से लगातार जवाबी फायरिंग हुई उसमें उसकी मौत हो गई थी। इस बात को लेकर तमाम लोगों ने सवाल उठाए थे। उस समय शिकायत भी हुई थी, एफआईआर कराने की भी कोशिश की गई विकास दुबे के जो परिवार के लोग थे और अन्य समर्थक थे उनकी तरफ से। जब मामला तूल पकड़ा तो एनकाउंटर की जांच करने के लिए, वैसे भी किसी भी एनकाउंटर की जांच मानवाधिकार आयोग करता है, लेकिन ये मामला इतना हाईलाइट था इसलिए इसकी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की थी जिसमें जस्टिस बी एस चौहान थे। उन्होंने जांच की और करीब 8 महीने की जांच के बाद इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है और ये कहा है कि यूपी पुलिस के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। दरअसल जब जांच हो रही थी तो यूपी पुलिस के खिलाफ जो आरोप लगे थे, जो भी एनकाउंटर को फर्जी बताया था, उसको लेकर जिन लोगों से बात हुई, जिन लोगों को बयान देने के लिए बुलाया गया, जो शिकायत कर रहे थे, उन्होंने भी इंटरेस्ट नहीं लिया इसमें बहुत ज्यादा। और सारी जांच जो कोई भी चश्मदीद गवाह इसका नहीं मिला, जांच कमेटी के सामने कोई भी प्रस्तुत नहीं हुआ, किसी ने भी बयान नहीं दिए, उसके आधार पर कमेटी ने अपनी 8 महीनों की जांच के बाद जो रिपोर्ट दी है, शासन को रिपोर्ट सौंप दी है और उसमें कहा कि पुलिस जो है वो क्लीन चिट उसको दे दी गई है। पुलिस के खिलाफ कोई भी आरोप साबित नहीं हो पाया, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो कहे कि इनकाउंटर गलत तरीके से हुआ है या उसमें कोई फर्जीवाड़ा किया गया है या विकास दुबे की हत्या की गई है। ऐसी कोई भी जांच कमेटी के बाद पास ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं आई। इसके आधार पर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है और जितने पुलिसकर्मी थे उस समय कानपुर में जिनकी जांच चल रही थी उनको क्लीन चिट मिल गई है। अब जो इस मामले में जो एफआईआर हुई है उसमें भी ऐसा माना जा रहा है कि उसमें भी राहत मिलेगी, चूंकि आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है, तो जो एफआईआर हुई है पुलिस वालों के खिलाफ उसमें भी राहत मिलने की उम्मीद है। विवेक, आपने कहा शासन को रिपोर्ट सौंपी गई है, ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने गठित की थी? जी, ये यूपी उत्तर प्रदेश के शासन को रिपोर्ट सौंपी गई है। ये पुलिस, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की थी, शिकायत वहीं पर हुई थी, यहाँ पर भी हाईकोर्ट में शिकायत करने की कोशिश की थी लेकिन उसको बहुत ज्यादा संज्ञान में नहीं लिया, तब ये सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से स्वतः संज्ञान लेते हुए कमेटी गठित की थी जिसकी रिपोर्ट यहाँ उत्तर प्रदेश शासन को सौंप दी गई है। जस्टिस बी एस चौहान जो कमेटी को हेड कर रहे थे उनकी तरफ से जांच रिपोर्ट आई है। अब इस रिपोर्ट को शासन के ध्यान में रखा गया है, यहाँ पर जो अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी हैं उनसे जो उनके पास ये रिपोर्ट आ गई है। अब इसमें आगे जो कार्रवाई होगी, जिस तरह से वहाँ कानपुर में एफआईआर दर्ज है पुलिस वालों के खिलाफ और मानवाधिकार आयोग की भी जांच चल रही है और तमाम अन्य एजेंसियां भी जांच कर रही थी, उसमें जो पुलिस कर्मी फंसे हैं उनको राहत मिलने की उम्मीद है। जी ठीक है विवेक, हमारे साथ बने रहिए। आपने बड़ी खबर दी, जस्टिस बी एस चौहान की कमेटी ने क्लीन चिट दे दी है उत्तर प्रदेश पुलिस को। एक और बड़ी बैठक चल रही है इस वक्त लखनऊ में, बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री योगी बैठक कर रहे हैं टीम 11 के साथ। कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद ये बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर, टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं, वर्चुअली मीटिंग कर रहे हैं जो पिछले कुछ दिनों से लगातार कर रहे हैं संक्रमित होने के बावजूद, लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं मुख्यमंत्री। कोरोना से भी उनकी लड़ाई चल रही है और कोरोना से जो हालात पैदा हुए हैं प्रदेश में
उससे उत्तर प्रदेश सरकार की लड़ाई में वो लीड कर रहे हैं, लगातार उसका नेतृत्व कर रहे हैं वो, संक्रमित खुद होने के बावजूद। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं टीम 11 के अधिकारियों के साथ। ये वही टीम 11 है जो कोरोना संक्रमण के सामने आने के बाद से लगातार इस लड़ाई में मुख्यमंत्री की कोर टीम रही है। और अब आप ग्राफ देख लीजिए, 1 अप्रैल के बाद से ग्राफ देखिए आप कैसे बढ़ा है। 1 अप्रैल को देश में 72,330 मामले सामने आए और उसके बाद बढ़ते चले गए, 81,000, 89,000, 93,000, 1,03,000, 1,15,000 मामले बढ़ते ही चले गए। और फिर आप देखिए और आगे 8 अप्रैल और उससे आगे, 8 अप्रैल को 1,26,000, फिर 1,31,000, 1,45,000, 1,52,000, 1,68,000, 1,84,000, इस तरह से ग्राफ ऊपर चलता ही चला गया। 8 से 14 अप्रैल के बीच में मामले बढ़ते चले गए और फिर 15 अप्रैल से आज की तारीख तक की स्थिति देखिए आप, मामले 2 लाख से ऊपर पहुंच गए और अब 3 लाख के बहुत करीब पहुंच गए। पिछले आंकड़े बता रहे हैं 2,95,000 से भी ज्यादा मामले 20 अप्रैल को रिपोर्ट हुए। तो यह है स्थिति कोरोना के असली विस्फोट की। कोरोना के विस्फोट की कहानी देख लीजिए आप। अब 21 अप्रैल को आंकड़ा पहुंच गया 2,95,041, भयावह स्थिति और भयावह और डरावनी होती हुई। नए मामलों की संख्या देख लीजिए आप जो 21 अप्रैल को रिपोर्ट हुए हैं। एक ओर देश रामनवमी मना रहा है, दूसरी ओर कोरोना का विस्फोट विटनेस कर रहा है। 2,95,000 से ज्यादा मामले पूरे देश में। तो देश और प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जौनपुर से एक झकझोरने वाली खबर सामने आई। यहां के शाहगंज अस्पताल के बाहर एक युवक ने अपनी मां की गोद में दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि यह परिवार आजमगढ़ से ट्रेन में सफर कर रहा था, इस दौरान युवक को सांस लेने में दिक्कत आई तो मां उसे लेकर शाहगंज स्टेशन पर उतर गई और उसे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, लेकिन बेटे की सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया। इसके बाद महिला का रो रो कर बुरा हाल, हालांकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर महिला का हाल जानने वाला कोई नहीं। अस्पताल पहुंचते ही युवक की जान चली गई, बेटे ने महिला के गोद में दम तोड़ दिया, सांसें उखड़ गई। हमारे संवाददाता जावेद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, ये सिहरा देने वाली खबर, सिहरन पैदा करने वाली खबर, इस मां की स्थिति फिलहाल क्या है और युवक को हुआ क्या था? देखिए राजेंद्र, ये परिवार आजमगढ़ से चला था, आजमगढ़ से शाहगंज की दूरी मुश्किल से 30-35 किलोमीटर दूर है। ये बताया जा रहा है जब परिवार चला था तो ठीक ठाक था, ये लड़का ठीक था जिसकी मौत हुई है। अचानक से इसकी सांस लेने में उसको दिक्कत शुरू हुई, इसके बाद जब मां ने घबरा करके शाहगंज स्टेशन पर ही एक बार इसको लेकर उतर गई है और लेकर के पहुंची सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। वहां किस तरह सन्नाटा पसरा हुआ, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे सन्नाटा पसरा वहां पर। कुछ देर तक उसने आवाज लगाई, इलाज के लिए गुहार लगाई, लेकिन मदद नहीं मिल पाई, इसको मौके पर कोई पहुंच नहीं पाया। इसके बाद थोड़ी देर के बाद ही बेटे ने तड़प कर ही मां की गोद में वहां दम तोड़ दिया है। ये तस्वीरें जो है ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें, हालांकि जौनपुर में रोजाना 500 के करीब केस आ रहे हैं, लोग संक्रमित हो रहे हैं, कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है राजेंद्र जौनपुर में। बिल्कुल जावेद, आप अभी तक ये स्पष्ट हो पाया है क्या कि ये युवक किस वजह से इसकी मौत हुई? देखिए राजेंद्र, जब तक जांच नहीं होगी कंफर्म नहीं होगा कि किस तरह से किस वजह से इसकी मौत हुई, लेकिन जो शुरुआती लक्षण बताए जा रहे हैं वो सांस लेने में दिक्कत बताई जा रही है, तो जाहिर है ये कोरोना के भी लक्षण हो सकते हैं, लेकिन जब तक जांच नहीं होगी जिला प्रशासन कुछ कह नहीं पाएगा राजेंद्र इस पर। शुक्रिया आपका जावेद इन जानकारियों के लिए। 500 से ज्यादा मामले जौनपुर में रिपोर्ट हुए हैं और इसी बीच में देखिए आप CSC के बाहर कैसे इस मां की गोद में पड़ा हुआ है इसके बच्चे का शव, इस युवक का शव जो इसका ही बेटा। और अगली बड़ी खबर बरेली से है। कोरोना के चलते खौफ में है व्यापारी वहां पर। व्यापारियों ने 2 दिन के लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, बुधवार और गुरुवार को सभी बाजार बंद रहेंगे। कई व्यापारियों की मौत के चलते ये फैसला खुद व्यापारियों ने ही लिया है।
तो बरेली से खबर, व्यापारियों ने खुद 2 दिनों तक बाजार बंद करने की घोषणा कर दी है, कई व्यापारियों की मौत के चलते। भयावह हालात, खुद ही लॉकडाउन कर दिया है, खुद ही तालाबंदी कर दी है व्यापारियों ने 2 दिनों। बरेली में कोरोना के चलते व्यापारी खौफ। खुद 2 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा व्यापारियों के द्वारा, बुधवार और गुरुवार सभी बाजार बंद रहेंगे बरेली में। व्यापारियों ने कोरोना के खौफ में आकर अपने साथियों की मौत को देखते हुए, उनकी तबीयत खराब होने के सिलसिले को देखते हुए यह फैसला खुद ही कर लिया। 2 दिनों के बाजार बंद करने की घोषणा, बुधवार और बृहस्पतिवार बाजार बंद रखेंगे व्यापारी, खुद बाजार बंद रखेंगे, स्वतः स्फूर्त निर्णय उनका। बरेली में किस तरह से खौफ पसरा हुआ है ये आप इस खबर से अंदाजा लगा लीजिए। किस कदर व्यापारी हिट हुए हैं, कैसे व्यापारी परेशान हैं कोरोना के कहर पे, कोरोना के असर से, ये आप देख लीजिए। उन्होंने खुद 2 दिनों के बाजार बंद करने की घोषणा कर दी है अपने, बुधवार और गुरुवार 2 दिन बरेली में व्यापारी खुद अपना बाजार, अपनी दुकानें बंद रखेंगे। ये बड़ी खबर और ये कोरोना की भयावहता की सारी कहानी। इससे पहले हमने आपको दिखाया जौनपुर में एक बेटे का शव, उसकी मां की गोद में पड़ा हुआ है, सांसें उखड़ने के चलते अचानक उसकी मौत हो गई। जब वो सीएससी लेकर पहुंची तो वहां पर उसे कोई नहीं मिला। और यहां देखिए बरेली में व्यापारियों ने खुद 2 दिन के लॉकडाउन की घोषणा कर दी। कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़े डराने वाले हैं। आज कोरोना के आंकड़ों ने परेशानी को और बढ़ा दिया। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,95,041 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में रिकॉर्ड कोरोना के 2,023 मरीजों की जान गई। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो देश में 15 अप्रैल से 24 घंटे में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 लाख से पार है, जो 18 अप्रैल तक 2.5 लाख के पार पहुंचा और आज लगभग 3 लाख के करीब जा पहुंचा है। मौत का बढ़ता आंकड़ा भी परेशान करने वाला है। रिकॉर्ड केसेस पिछले 24 घंटे में 2,95,000 से ज्यादा, यानी कि 3 लाख के बहुत करीब पहुंच गए। 2,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं, 2,023 मौतें रिकॉर्ड पर पिछले 24 घंटे में, सरकारी आंकड़ा। और 1,65,000 से ज्यादा लोग ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किए गए। कुल केसेस देश में 1,56,00,000 से ज्यादा कोरोना के। बड़ी खबर हरिद्वार से, सीएम धीरज सिंह रावत का दौरा स्थगित हो गया है। जूना अखाड़े में माया देवी मंदिर में था मुख्यमंत्री का कार्यक्रम। शांति कुंज स्वर्ण जयंती वर्ष व्याख्यान माला कार्यक्रम में शामिल होना था उन्हें, और यह कार्यक्रम स्थगित हो गया है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कार्यक्रम हरिद्वार का दौरा उनका स्थगित हो गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को शामिल होना था, यह कार्यक्रम स्थगित। तो हरिद्वार जाना था आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को, कुछ कार्यक्रम थे उनके वहां पर, अब उनका दौरा स्थगित। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हरिद्वार से मिल रहा है, मुख्यमंत्री का दौरा स्थगित। हरिद्वार दौरा रद्द, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का। जूना अखाड़े में उनका कार्यक्रम था। पंकज राणा हमारे साथ हैं। पंकज, कारण क्या है दौरा रद्द होने के पीछे? जी बिल्कुल राजन, देखिए आज 3 बजे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को हरिद्वार पहुंचना था। संभवतः माना जा रहा है कि जिस तरह से
कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसकी वजह से ये कार्यक्रम रद्द किया गया है। 3 बजे पहुंचते पहले जूना अखाड़े में उनका कार्यक्रम था, उसके बाद शांति कुंज में भी ये कार्यक्रम उनका लगाया गया था। कारण अभी पुख्त नहीं मिल पाई है जानकारी किन कारणों से ये कार्यक्रम रद्द किया गया है, लेकिन जिस तरह से जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से उसमें जिस तरह से अखाड़ों में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उसके बाद हरिद्वार के साथ साथ पूरे प्रदेश भर में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसकी वजह से ये कार्यक्रम स्थगित किया गया। क्योंकि सीएम का जब दौरा होता है तो उसमें भारी गैदरिंग होती है, बड़ी संख्या में लोग आते हैं, उनकी मुलाकात भी संतों से होती है, उसके साथ साथ ही पुलिस की भी ड्यूटी अलग अलग स्थानों पर लगाई जाती है, तो उसी के मद्देनजर संभवतः ये कार्यक्रम रद्द किया गया है। क्योंकि शांति कुंज में भी बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है, हालांकि फिलहाल अभी शांति कुंज को बंद कर दिया गया, लेकिन वहाँ कई स्टूडेंट भी रहते हैं, उसके अलावा तमाम लोगों की वहाँ गैदरिंग होती है, पार्टी के कार्यकर्ता भी वहाँ पहुंचते हैं, तो संभवतः इन्हीं कारणों को लेकर सीएम का हरिद्वार दौरा यह रद्द किया गया है। और अब संभवतः माना जा रहा है कि जब स्थिति फिर ठीक होगी तो उनका दौरा फिर से प्रस्तावित किया जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका। कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है कि किस कारण से मुख्यमंत्री का दौरा स्थगित किया गया है, लेकिन यह समझा जा रहा है कि मुख्यमंत्री होने के नाते उनके कार्यक्रम में भीड़ जुटने की संभावना थी और ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। शांति कुंज स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना था, मुख्यमंत्री होने के नाते बड़े मात्रा में बड़ी संख्या में समर्थक पहुंच सकते थे, दोपहर 3 बजे उन्हें पहुंचना था लेकिन दौरा उनका स्थगित। और कोरोना संकट के बीच प्रियंका गांधी ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश के सामने बहुत बड़ा संकट है, हमने पहली और दूसरी लहर के बीच कुछ नहीं किया, कोरोना से हालात भयावह हैं, सबको मिलकर इससे लड़ना है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का इंतजाम क्यों नहीं किया गया, कोरोना से निपटने की तैयारी सही से नहीं की गई। ये प्रियंका गांधी वाड्रा क्या रोक, तैयारी ठीक होती तो कोरोना की दूसरी लहर से लड़ जाते, किसी भी प्लानिंग के तहत काम नहीं किया गया। ये तमाम आरोप प्रियंका गांधी ने सरकार पर लगाए। और अब राहुल गांधी के ट्वीट के बारे में बता दें, वो लिखते हैं केंद्र सरकार की वैक्सीन रणनीति नोटबंदी से कम नहीं है। बड़ी खबर, राहुल ने ट्वीट किया है केंद्र सरकार की वैक्सीन रणनीति नोटबंदी के कार्यक्रम से कम नहीं है। ट्वीट का कंटेंट आपकी स्क्रीन पर है। आम जनता लाइनों में लगेंगे, धन स्वास्थ्य और जान का नुकसान झेलेंगे और अंत में सिर्फ कुछ उद्योगपतियों का फायदा होगा। ये राहुल गांधी का नया ट्वीट, लेटेस्ट, बिल्कुल ताजा। आम जन लाइनों में लगेंगे, धन स्वास्थ्य और जान का नुकसान झेलेंगे और फायदा आखिर में कुछ उद्योगपतियों का होगा। इधर काशीपुर की सूर्या चौकी बॉर्डर पर उत्तराखंड में आने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है। इस दौरान बॉर्डर पर काफी भीड़ लगी है, लोग काशीपुर के मां बाल सुंदरी देवी मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं और इसके चलते लोगों को बॉर्डर पर रोककर आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट मांगी जा रही है। तो एक और देश और प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। वहीं उत्तराखंड में अप्रैल में बर्फबारी ने और भी हैरान करने का काम किया है। जोशीमठ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहां बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फ पड़ रही है और बद्रीनाथ धाम में बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। यहां के नर नारायण, नीलकंठ, सतोपंथ, माणा, वसुधारा और स्वर्गारोहिणी की चोटियां बर्फ से ढक चुकी हैं और आपको बताएं कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को खुलने हैं। देखिए तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव, कैसे चोटियां उत्तराखंड की बद्रीनाथ धाम के पास की बर्फ से ढकी हुई हैं, बर्फ की सफेद चादर। 18 मई को कपाट खुलने हैं, एक महीने से भी कम का वक्त, लेकिन बर्फ की आप देखिए स्थिति, सफेद चादर बर्फ की बद्रीनाथ धाम में।